हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्रीज फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स एंड स्टेट्स। इसके पहले हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ लिया है जिसमें हम लोगों ने द राइज ऑफ किंग, हाउ न्यू किंग्स एंड डायनेस्टीज वेयर फॉर्म्ड पढ़ा। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो है आपका द रोल ऑफ ब्राह्मण्स एंड भट्स। सो लेट अस स्टार्ट। Brahmins helped powerful families establish royal dynasties and guided the new kings in governing their kingdoms. In those days, the Brahmins were known for their wisdom, learning, and knowledge of religion. They were also respected for their understanding of governance and statecraft. That is why kings in North and South India invited Brahmins who lived on the banks of the Ganga and Yamuna rivers to settle in their kingdoms. तो उस वक्त पे ब्राह्मण्स और भट्स का रोल क्या होता था, यहाँ पर ये बताया गया है। जो ब्राह्मण्स जो लोग थे वो पावरफुल फैमिलीज को अपनी डायनेस्टी, ठीक है, डायनेस्टी इस्टेब्लिश करने में, और साथ में डायनेस्टी अगर इस्टेब्लिश हो गई उसके बाद में उनको गाइड करने में, कैसे वो अच्छे 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 तरीके से किंगडम को चला सकते हैं, अपनी डायनेस्टी, अपने अपने रूल्स को, अपने किंग्स, अपने किंगडम को अच्छे से चला सकते हैं, ये आप ये गाइड करने का काम करते थे ब्राह्मण्स। उस समय में ब्राह्मण्स जो थे वो अपने विजडम, लर्निंग और नॉलेज के लिए, रिलीजन के नॉलेज के लिए जाने जाते थे। देर वर ऑल्सो रेस्पेक्टेड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, किस तरीके से किसी भी स्टेट को चलाना है, उन्होंने कैप्चर किया है, जो एम्पायर उन्होंने कैप्चर किया है उसको कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण्स ही उनको बताते थे। राजा लोगों को ब्राह्मण्स ही गाइड करते थे कि कैसे उनको उनका जो किंगडम है वो रूल करना चाहिए। दैट इज़ इसी कारण से नॉर्थ में और साउथ इंडिया में ब्राह्मण्स को लोग अपनी डायनेस्टी में बुलाया करते थे। जो नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो यमुना और गंगा रिवर्स के पास में जो ब्राह्मण्स हैं उनको अपने रीजन में बुलाते थे और वहाँ पर सेटल होने के लिए कहते थे। इन रिटर्न द किंग्स वुड डोनेट एंटायर विलेजेस और द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल विलेजेस टू दिस ब्राह्मण्स। दे केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ दिस डोनेशंस बाय इंस्क्राइबिंग देयर ऑर्डर्स ऑन कॉपर प्लेट्स। अब जो ब्राह्मण अपने यमुना रिवर्स, यमुना या गंगा रिवर्स के पास से उनके रीजन पे आते थे, ठीक है, इंडिया, साउथ इंडिया में या फिर नॉर्थ इंडिया में आते थे, तो वहाँ के जो राजा हैं वो ब्राह्मण्स लोगों को एक पूरा का पूरा गांव डोनेट कर दिया करते थे, या फिर जो रेवेन्यू बहुत सारे विलेजेस से कलेक्ट होती थी, जो टैक्स वो लोग कलेक्ट करते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनको पूरा का पूरा ब्राह्मण्स को ही दे देते थे। इसका रिकॉर्ड जो है हम लोगों को एक इंस्क्रिप्शन में मिलता है जो कि एक कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ है, आप साइड में देख सकते हैं, कॉपर प्लेट में राइटिंग्स हैं, ठीक है। देयर वॉज अनदर रीजन वाई किंग्स मेड सच जेनरस डोनेशंस टू द ब्राह्मण्स टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन द सोसाइटी। द किंग्स वुड गेट द ब्राह्मण्स प्रिपेयर्ड अ लाइनेज ऑफ किंग्स for showing that they were descended from the sun moon or some great rishi. They would also talk them to perform rajasuya yagya, ashwamedh and other types of yagnas to show how powerful they are. A copper plate was found in Chhattisgarh showing the donations made by the Kalchuri king Ratnadev III. ab yahan par किंग्स इतना बड़ा डोनेशन इसलिए भी करते थे ताकि वो अपनी जेनरस नेचर को दिखा सके, लोगों को दिखा सके कि वो कितने जेनरस हैं, ठीक है, अपनी, और उसके साथ साथ अपनी सुप्रीमेसी, सोसाइटी में अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए भी वो ऐसा काम करते थे। इसके बदले जो ब्राह्मण्स लोग थे वो उनसे बहुत सारे पूजा, यज्ञ वगैरह होते, यज्ञ जो हैं वो करवाते थे, जैसे कि यहाँ पर आपका नाम दिया गया है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और भी बहुत अलग टाइप के, अदर टाइप्स के यज्ञ उनसे करवाए जाते थे। एक कॉपर प्लेट जो कि छत्तीसगढ़ में मिला है उसमें इस चीज़, इस डोनेशन के बारे में, कालचुरी किंग रत्नदेव के बारे में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं।
The Bhats also played an important role in establishing the royal lineage. The Bhat tradition prevailed in the entire North Indian region during this time. They were court poets who sang songs in the local language, praising the kings and his ancestors. These songs would instill a feeling of respect and pride for the king among the people. In Chhattisgarh, this tradition can be seen in the form of Charan poets. अब ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स का रोल क्या होता था किसी भी एम्पायर को स्टैब्लिश करने के लिए, ये हम लोगों को पता चल गया. इसके बाद में अब भट, ठीक है, भट्स लोगों का क्या, भट्स लो जो भट्स थे उनका भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था किसी भी रॉयल लाइनेज को स्टैब्लिश करने के लिए. क्या रोल था उनका कि ये जो भट ट्रेडिशन थी उसमें वो लोग नॉर्थ इंडियन रीजन, नॉर्थ प्रिवेल्ड इन द एंटायर नॉर्थ इंडियन रीजन, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडियन रीजन में ये फैला हुआ था. भट एक्चुअल में एक कोर्ट पोएट्स थे जो कि सॉन्ग्स गाते थे लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में जहाँ पर भी आप रह रहे हैं उसके लोकल लैंग्वेज में वो लोग सॉन्ग्स गाते थे और किंग्स को प्रेस करते थे, उनकी उनकी प्रशंसा करते थे. प्रेसिंग मतलब मीन्स उनकी प्रशंसा करते थे, जिस उनकी और उनके मतलब अब किंग्स की प्रशंसा करते थे और उनके पूर्वजों की प्रशंसा करते थे, ठीक है. ये सॉन्ग सुनने से जो लोग हैं उनके उनके मन में, लोगों के मन में एक रिस्पेक्ट और एक प्राइड की फीलिंग आती थी कि वो इस राजा के, उनके लिए एक रिस्पेक्ट की फीलिंग मतलब पैदा हो जाती थी. सॉन्ग्स वगैरह को सुनते थे तो एक रिस्पेक्ट की फीलिंग वो लोग डालने का, मतलब आप बोल सकते हैं कि सॉन्ग्स को सुनने से वो ऐसा लगता था कि उनके उनके रिस्पेक्ट किया जा रहा है, किया जाना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए. और साथ ही साथ में कि हम उसी राजा के उस राजा के अंडर पे आते हैं, मतलब उस राजा के जनता है, प्रजा है, तो इस कारण से उन्हें उस चीज़ पर प्राइड होना चाहिए. इन छत्तीसगढ़ दिस ट्रेडिशन कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ चरण पोएट. छत्तीसगढ़ में ये जो ट्रेडिशन है वो चरण पोएट के नाम से देखा जा सकता है. वन सच पोएट वॉज दलराम राव, हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ राजा लक्ष्मी निधि ऑफ खैरागढ़. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द नेम छत्तीसगढ़ इन वन ऑफ हीज पोएम्स टू प्रेस टू द किंग. ऐसे एक पोएट हैं जिनका नाम है दलराम राव, जो कि राजा लक्ष्मी निधि के किंगडम पे खैरागढ़ में रहते थे. वो पहले पर्सन थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ नेम का यूज़ किया था अपने पोएम में राजा को प्रेस करने के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोनार्च एंड फ्यूडल किंग्स. एज द नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स ग्रू, द वॉर्स बिटवीन देम ऑल्सो इंक्रीज. ईच किंग फॉट देयर नेम फॉट हीज नेबर्स टू एक्सपांड हीज टेरिटरी. बट एज वी सॉ इन द केस ऑफ एम्पायर समुद्र गुप्ता, द विक्टोरियस किंग यूजअली रिटर्न्ड द लैंड टू द वैंक्विश्ड अंडर सर्टन कंडीशंस. The defeated king had to accept his conquer as his king and master. The victor became the adhipati or monarch, while the vanquished became his samant or feudal vassal. To establish the victor's authority further, the defeated king was made to write his name in the following manner. Mahasamant Shri Kashtipal, whose place is at the feet of परम भटारक परमेश्वर महाराजाधिराज श्री भोजदेव. अब देखिए यहाँ पर जो स्मॉल किंगडम्स थे, ठीक है, वो बढ़ रहे थे, ठीक है, वो लोग बढ़ रहे थे मतलब वॉर्स के थ्रू, वो लोग जी वॉर्स के थ्रू अपने एरिया को बढ़ाने का काम कर रहे थे. हर राजा अपनी अपने नेबर्स के साथ में अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए लड़ाई लड़ रहा था. और जैसे ही, ठीक है, अगर अगर वो उस राज्य को हासिल कर लेता था तो उसके बाद में वो राज्य अपने अंडर पे तो ले लेता था, लेकिन वो जो राजा वहाँ रहता था वो उसे ही वहाँ पर रख दिया करते थे एज हिज मास्टर. मास्टर मतलब आपका किंग, राजा जिसने कॉन्कर किया वो उसकी सुप्रीमेसी बन गई तो वो राजा के अंडर पे आता था, जो वो राजा बोलेगा वो उसको मानना पड़ता था, ठीक है. और यहाँ पर वो एज अ डिफीट थी, मतलब डिफीट के तौर पे वो जो अधिक जो राजा रहता था, जिस जो हार गया वो राजा को उस डिफीट को मानना पड़ता था, उसके बदले उसको अपना जो नाम है वो इस मैनर पे लिखना पड़ता था, ठीक है, इस मैनर पे वो अपने नाम को लिखते थे.
देख लीजिए, ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। द फ्यूडल वेसल्स वुड ऑल्सो गिव प्रीशियस गिफ्ट्स टू द मोनार्च टू शो देयर लॉयलिटी एंड ग्रेटिट्यूड। वेन एवर द मोनार्च वेंट टू वॉर, द फ्यूडल्स हैड टू गो विथ हिज आर्मीज टू असिस्ट हिम इन द बैटल फील्ड। अब जो फ्यूडल वेसल्स थे, ठीक है, जिन्होंने जो राजा हार गए थे, वो क्या करते थे, वो प्रीशियस गिफ्ट देते थे जीतने वाले राजा को, ताकि वो अपनी लॉयल्टी और ग्रैटिट्यूड को बता सके। और साथ में जब भी जो राजा है वो वॉर के लिए जाता था, तो उनकी जो फ्यूडल्स की जो आर्मी थी वो उनको असिस्ट करती थी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, सम इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज। बिटवीन द ईयर्स 800 to 1000, थ्री इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टीज रूल्ड इन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ सेंट्रल इंडिया। द प्रतिहारास वेयर इन द नॉर्थ, द पालाज इन द ईस्ट, एंड द राष्ट्रकूटास इन द साउथ इंडिया। द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टीज वेयर एट वॉर विथ ईच अदर फॉर नियरली 200 ईयर्स, ट्राइंग टू स्टैब्लिश देयर सोवर्जिनिटी ओवर नॉर्थ इंडिया एंड द किंगडम्स ऑफ कन्नौज। दिस कॉन्स्टेंट वॉरफेयर वीकेंड ऑल थ्री किंगडम्स। अब यहाँ पर देखिए, इसी के साथ में और भी अलग अलग डायनेस्टीज थी जिन्होंने जो इंडिया पे रूल कर रही थी, ठीक है। 800 से 1000 के बीच में ये जो साल थे, उन्होंने उसमें थ्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज थी जिन्होंने रूल किया नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। तो यहाँ पर देखिए, द प्रतिहारास जो थे वो नॉर्थ पे रूल कर रहे थे, द पल्लास जो थे वो ईस्ट पर रूल कर रहे थे, और द राष्ट्रकूटास जो थे वो साउथ इंडिया पर रूल कर रहे थे। इन ये तीनों जो डायनेस्टीज थी वो करीब 200 साल तक एक दूसरे के साथ पे वॉर कर रही थी, मतलब हर कुछ कुछ टाइम के लिए वॉर करती थी, मतलब अपने टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए लगातार ये लोग वॉर करते रहते थे, अपने टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए और ऊपर और अपनी सोवर्जिनिटी को दिखाने के लिए ये लोग वॉर करते रहते थे ओवर नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया पे वॉर करते थे और किंगडम ऑफ कन्नौज पे भी, ठीक है। रेगुलरली वॉर करने की वजह से इनका जो वॉरफेयर था वो तीनों किंगडम्स का जो वॉरफेयर था वो काफ़ी वीक हो चुका था। ड्यूरिंग दिस पीरियड छत्तीसगढ़ वॉज रूल्ड बाय द कलचुरी डायनेस्टी। सम इम्पॉर्टेंट किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टीज वेयर कलिंगराज, रत्नदेव एंड जलाल देव। कलिंगराज रूल्ड ओवर द होल ऑफ साउथर्न कोसला अराउंड द ईयर 1000। ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट तुम्मान एंड रूल्ड इंडिपेंडेंटली फॉर मेनी ईयर्स। रत्नदेव मेड रतनपुर हिज न्यू कैपिटल एंड डेवलप्ड इट इंटू वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ द टाइम इन द महाकोशला रीजन। इन दोज डेज देर वेयर नो टाउन इक्वल टू रतनपुर इन महाकोशला रीजन। इस पीरियड के दौरान छत्तीसगढ़ में कालचुरी डायनेस्टी, छत्तीसगढ़ पे कौन रूल कर रहा था, तो छत्तीसगढ़ में कालचुरी डायनेस्टी रूल कर रही थी। उसके जो इम्पॉर्टेंट किंगडम्स थे, इम्पॉर्टेंट किंगडम्स, इम्पॉर्टेंट किंग्स जो थे वो थे कलिंगराज, रत्नदेव और जलाल देव। कलिंगराज जो है वो साउथर्न कोसला पे रूल कर रहे थे अराउंड द ईयर 1000। इस ईयर पे वो साउथर्न कोसला पे रूल कर रहे थे। उन्होंने तुम्मान को अपना कैपिटल बनाया और उसे इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर दिया था, और काफ़ी साल तक वो उसमें इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे। उसी तरीके से रत्नदेव ने रतनपुर को अपना कैपिटल बनाया और उसे बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया था, ताकि वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ में वो डेवलप हो गया था महाकोशला रीजन के, ठीक है। तो जो वो रीजन पे, वो महाकोशला रीजन में सबसे बिगेस्ट सिटीज़ में सिटीज़ बन गया था रतनपुर। द कालचुरी किंग्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स राजपूत्स। देर वेर सेवरल अदर इन्फ्लुएंशियल राजपूत डायनेस्टीज इन नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। प्रोमिनेंट अमंग देम वेयर द चौहान्स, तोमर्स, पारमर्स, गुर्जर्स एंड प्रतिहारास। मेम्बर्स ऑफ दिस रॉयल लाइनेज एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जो कालचुरी डायनेस्टी थी वो अपने आप को राजपूत मानती थी। इसी के साथ में
राजपूत डायनेस्टीज और भी अदर राजपूत और भी बहुत सारी राजपूत डायनेस्टीज थी जो कि रूल कर रही थी नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में और सेंट्रल इंडिया में। उसमें से कुछ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि चौहान्स, तोमर्स, पारमर्स, गुर्जार्स एंड प्रतिहारास। कुछ मेंबर्स जो थे रॉयल लाइनेज के, उन्होंने अपने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश किया अलग अलग प्लेसेस पे। द परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया। भोज वॉज द मोस्ट रिनोन्ड किंग ऑफ दिस लाइनेज। ही वॉज अ माइटी वॉरियर एंड विद अ पावरफुल आर्मी हु एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर ओवर विच ही रूल्ड फ्रॉम 1000 to 1035। अपार्ट फ्रॉम बींग एन इन्फ्लुएंशियल किंग, ही वॉज ऑल्सो डीपली इंटरेस्टेड इन द साइंसेज, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। अब जो परमार डायनेस्टी थी, उन्होंने उसने सेंट्रल इंडिया पर रूल किया। भोज जो थे, ठीक है, भोज जो थे वो एक काफ़ी रिनोड किंग थे, उस परमार डायनेस्टी के काफ़ी रिनोड किंग थे। उन्होंने अपनी जो उन्होंने अपना पावरफुल आर्मी जो थी वो काफ़ी, मतलब उन्होंने एक वॉरियर, ठीक है, एक काफ़ी पावरफुल वॉरियर थे और उन्होंने अपनी आर्मी जो आर्मी को काफ़ी वास्ट एम्पायर में, वास्ट एम्पायर था वो। कब रूल कर रहे थे आपका, तो 1000 से 1035 तक वो उन्होंने रूल किया और उनके एम्पायर काफ़ी वास्ट एम्पायर पे वो रूल किए थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इन्फ्लुएंशियल रूलर, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रूलर के साथ साथ वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे साइंस, लिटरेचर और आर्किटेक्चर में। एट दैट टाइम देयर वॉज अ पावरफुल रूलर इन सेंट्रल एशिया कॉल्ड महमूद गजनवी। ही इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया सेवरल टाइम्स फ्रॉम अफगानिस्तान बिटवीन 1000 and 1025, प्लंडरिंग एंड लूटिंग द लैंड एंड इट्स पीपल। अ ग्रेट स्कॉलर फ्रॉम हिज किंगडम कॉल्ड अलबरूनी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसी टाइम पे जब परमार किंग थे, उसी टाइम पे एक पावरफुल रूलर जो थे वो आए थे सेंट्रल एशिया से, जिनका नाम था महमूद गजनवी। उन्होंने नॉर्थ इंडिया को इन्वेड कर लिया था, बहुत बहुत नॉर्थ इंडिया को इन्वेड कर लिया था। उस नॉर्थ इंडिया पे वो आते थे अफगानिस्तान के रास्ते से बिटवीन 1000 to 1025, ठीक है, और वो आते थे और वो पूरे प्लंडरिंग एंड लूटिंग, वहाँ के जो लोग रहते थे उनको पूरा लूट लेते थे, पूरी तरीके से लूट लेते थे, उनके लैंड्स को लूट लेते थे और डिस्ट्रक्शन करते थे। उसी टाइम पे एक ग्रेट स्कॉलर था, उन्हीं के किंगडम से एक स्कॉलर था जिनका नाम था अलबरूनी। वो इंडिया विजिट किए, इसी पीरियड के दौरान उन्होंने इंडिया को विजिट किया। ही केम टू स्टडी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड द डिफरेंट रिलीजियस दैट फ्लरिश्ड इन द कंट्री। ही लर्नड संस्कृत ड्यूरिंग हिज स्टे एंड स्टडीड मैनी एशियंट मैनुस्क्रिप्ट। आफ्टर रिटर्निंग टू हिज होम कंट्री इन 1030, he wrote a book in Arabic titled Tehkeek-e Hind. We get a lot of information about the people of India, their customs, religions, traditions, science, mathematics, astronomy, etc. from this book. तो अलबरूनी जो थे वो इंडिया आए थे मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और बहुत से अलग अलग रिलीजन्स के बारे में जानकारी लेने के लिए। उन्होंने यहाँ रहते हुए संस्कृत पढ़ी और बहुत सारे एंशियंट मैनुस्क्रिप्ट भी उन्होंने पढ़ी। वापस जब वो अपने होम कंट्री पे गए, कब गए, तो 1030 पे वो गए, तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है तहकीक-ए हिंद। इस बुक से हमें इंडिया के लोगों के बारे में, उनके कस्टम्स, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सभी के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट पे इसके आगे का बताएंगे, दैट इज़ फ्यूडल पॉलिसीज ऑफ द किंग्स।